किसानों की सपोर्ट में रिहाना जो पॉप स्टार है जब वो आई और बाहर के बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग आए जब किसानों के सपोर्ट में, तो डर भी गए होते मोदी जी। क्या भाषण दे रहे थे वो जाकर कि हमारी चाय को खतरा है विदेशी ताकतों से, आप इतना डर गए। अगर आपकी तारीफ में कुछ बात होती है बाहर की कंट्रीज में तो आप बोलते हैं मोदी जी का डंका, मोदी जी का डंका, और अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो विदेशी ताकतें हो गई। कौन है कंगना? कौन एक सर्व कौन है कंगना? वो अभिनेत्री है, मैं कहती हूँ वो औरत के नाम पर धब्बा है। जो औरत अपने देश के किसानों को गाली दे सकती है उससे बुरी इंसान कोई नहीं हो सकती, और उसको बढ़ावा दिया किसने है? ये बीजेपी तो खड़ा करती है ऐसे ऐसे लोगों को। मैं कंगना जी से ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर से कभी कोई जवान गया है देश की सुरक्षा करने? ये जो किसान यहाँ पर बैठे हैं ना, ऑलमोस्ट हर किसान के घर से देश की सुरक्षा के लिए जवान तैनात होंगे, और वो खोते भी है अपने बच्चों को, वो आपके लिए रोटी भी पैदा करती है 24 घंटे। मेरे को बिल्कुल दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से, इसलिए दिक्कत है क्योंकि हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष बनाता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप समझते हैं ना कि यहाँ हर धर्म के लोग यहाँ विराजते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? और एक देश, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश की समस्याएं तो आपसे सुलझती नहीं है। जो देश ऑलरेडी इतनी सब कुछ बना बनाया आपको कांग्रेस ने एक परोस के दे दिया था थाली में, आपसे वो संभला नहीं, आपने सब कुछ बेच दिया अपने अंबानी अदानी को, और अब आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। तो राष्ट्र हित में बेचा जा रहा है मैं। कैसे कैसे राष्ट्र हित में, आप मुझे बताइए किस तरह से राष्ट्र हित में बेचा जा रहा है? डर के भाग गया चाइना, डर के भाग गया पाकिस्तान, थर थर कांप रहा है। हाँ, चाइना डर के भाग गया। पहले आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी इतने महीनों से एक ही बात बोल रहे हैं कि चाइना तो घुसा ही नहीं, चाइना तो घुसा ही नहीं। अभी हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं जी चाइना को हमने भगा दिया। तो हम रक्षा मंत्री की बात माने या हम प्रधानमंत्री जी की बात? आपस में तो उनके कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनको खुद नहीं पता। प्रधानमंत्री जी को मोर और अपनी फोटोशूट कराने से मोर के साथ फुर्सत नहीं मिलती है, उनको क्या पता कि चाइना घुसा या नहीं घुसा? एक बार भी आज तक पाकिस्तान का नाम तो वो इतना लेते हैं अपने हर भाषण में, आज तक उनके मुँह से कभी चाइना का नाम सुना है? क्यों डरते हैं वो चाइना से? लेकिन मीडिया में, टेलीविजन, अखबार देखने पर तो लगता है दुनिया में सब जगह मोदी जी का डंका बज रहा है, आप लोग को ऐसा क्यों नहीं लगता? मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका। तो जब किसानों की सपोर्ट में रिहाना जो पॉप स्टार है जब वो आई और बाहर के बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग आए जब किसानों के सपोर्ट में, तो डर नहीं गए होते मोदी जी? क्या भाषण दे रहे थे वो जाकर कि हमारी चाय को खतरा है विदेशी ताकतों से, आप इतना डर गए? अगर आपकी तारीफ में कुछ बात होती है बाहर की कंट्रीज में तो आप बोलते हैं मोदी जी का डंका, मोदी जी का डंका, और अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो विदेशी ताकतें हो गई। कंगना जी ने कहा है रिहाना तो पैसा। कौन है कंगना? कंगना वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है दुनिया की। एक सर्व कौन है कंगना? वो अभिनेत्री है, मैं कहती हूँ वो औरत के नाम पर धब्बा है। जो औरत अपने देश के किसानों को गाली दे सकती है उससे बुरी इंसान कोई नहीं हो सकती, और उसको बढ़ावा दिया किसने है? ये बीजेपी तो खड़ा करती है ऐसे ऐसे लोगों को। मैं कंगना जी से ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर से कभी कोई जवान गया है देश की सुरक्षा करने? ये जो किसान यहाँ पर बैठे हैं ना, ऑलमोस्ट हर किसान के घर से देश की सुरक्षा के लिए जवान तैनात होंगे, और वो खोते भी हैं अपने बच्चों को, वो आपके लिए रोटी भी पैदा करती हैं 24 घंटे खेतों में रहकर, और अपने बच्चों को भी आपको दे देती हैं देश की रक्षा करने के लिए, और उसके बावजूद आप इनको गालियां निकालते हैं। लेकिन मोदी जी ने GST लाया, नोटबंदी लाया, अब कृषि बिल लाया, 100-200 लोग ही तो मरते हैं लेकिन देश का बहुत भला होता। अच्छा एक मिनट, ये जो नोटबंदी है उससे किसको फायदा हुआ सर, आप मेरे को बस इतना बताइए? काला धन आ गया। काला धन आ गया? कहाँ है वो काला धन? काला धन अगर आ गया होता तो जो ये किसान मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे कर्जों के तले दबकर, फिर तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती किसी चीज के लिए। नया संसद बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, वहां पर मूर्ति बन गई, बस इसी के लिए पैसा है आपके पास, और ये संसद बन रहा है, संसद के लिए आपके पास पैसे हैं, राम मंदिर के लिए भी आपने बोला हमारे पास 1000 करोड़ है, तो लोगों से चंदा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए क्यों आ रहे हैं लोगों के घरों पर ये लोग? राम मंदिर के नाम पर कौन आ रहा है भीख मांगने के लिए, और क्यों आ रहे हैं भीख मांगने के लिए भगवा पहनकर? किस लिए मांग रहे हैं वो चंदा? हमारे देश में कितनी मौतें होती है भुखमरी से, क्या कभी किसी ने, क्या हमारे नेताओं ने भुखमरी के लिए चंदा मांगा?
और जो पीएम केयर फंड हमारी कोविड के टाइम पे इकट्ठा किया, कहा ब्यौरा दिया उसका, क्या किया पीएम केयर फंड का? मंदिर के नाम पर आप सरकार लाए थे, आपको चंदे से भी ऐतराज है? मैं सरकार जी मंदिर के नाम से नहीं लेकर आई, आपके साथ खड़े सब लाए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो पिलोट चाहिए इनको, मैम सब इनको 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 पिलोट चाहिए कश्मीर में, और मुसलमानों को टाइट करने के लिए सरकार आई थी। सरकार देखिए अगर ऐसा है तो मैं आप सबसे एक चीज की गुजारिश करती हूँ कि अगर इस देश को बचाना है ना तो हम सबको साथ मिलके चलना होगा। ये धर्म जाति ये सब हम लोगों ने बनाई है, अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, अपने लिए बनाई है, और इसका इस्तेमाल करते हैं ये पॉलिटिशियंस। और यही रीज़न है कि आज आप लोगों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकारें आपका फ़ायदा उठाती हैं धर्म और जाति के नाम पर। क्यों हम लोग एक साथ मिलके नहीं चल सकते? हमें तो बचपन में स्कूल में सिखाया जाता था कि एक उंगली से आप काम नहीं ले सकते, लेकिन जब वो मुट्ठी बन जाती है तो वो इतनी मजबूत हो जाती है। तो आप क्यों तो अंगूठा काट दिया था मैडम एक लफ्फे का? बहुत गलत था, मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती द्रोणाचार्य जी को। एक आखिरी सवाल, मोदी जी कह रहे हैं किसान माला माल हो जाएगा, किसान अनपढ़ है, गवार है, इनको समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी फायदा करा रहे हैं। मैं एक सेकंड, मोदी जी पहले मुझे अपनी एजुकेशन बताएंगे कि उनकी खुद की एजुकेशन क्या है। मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस। कौन से सन में ये आप पूछिए, बताइए बताइए। मोदी जी की एजुकेशन पे सवाल कर रहे थे आप, मेरे को बताइए। एमए पॉलिटिकल साइंस? एमए इंटायर पॉलिटिकल। किस सन में करा था वो? डिग्री नहीं दिखाते हैं, डिग्री सबको दिखाने। नहीं डिग्री दिखाई थी, किसने दिखाई थी? अमित शाह ने। और जिस सन की दिखाई है उस सन में तो माइक्रोसॉफ्ट ने वो वर्ड नहीं निकाले थे, फर्जी मार्कशीट, सब कुछ फर्जी। आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं है? मोदी जी पर भरोसा, किसानों को भरोसा नहीं है? मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा हूँ। आप हाथ उठवा लीजिए, सब कहेगा मोदी जी की जय। आप लोगों को भरोसा नहीं है मोदी जी पर? अब बोलिए, अब बोलिए, ये मोदी जी के खिलाफ जनता को आप लोग पर राजद्रोह का यूपीए लग जाएगा। एक बात मैं आपको बोलूं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जैसा फील करें सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में हम बोल सकते हैं, हमें आज़ादी है। आप आज़ाद देश में हमको गुलाम नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो प्रधानमंत्री के नहीं लग रहे, मोदी मुर्दाबाद व्यक्तिगत लग रहे हैं। प्रधानमंत्री की मुर्दाबाद कभी नहीं लगते, भारत का प्रधानमंत्री हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। लेकिन व्यक्तिगत मोदी मुर्दाबाद दुनिया कर रही है इस समय, देश ही नहीं दुनिया कर रही है, किसान कर रहा है, अन्नदाता कर रहा है। और फिर एक बात और कहता हूँ, भारत माता के दो बेटे हैं, एक पूत और एक कपूत। पूत वो है जिसने आज़ादी के बाद देश को बनाया, कपूत ये है जो आज देश को बेच दे रहा है और किसानों को मार रहा है, ये कपूत है। आप लोग आंदोलन जीवी हैं, आप लोग को यहाँ के पेट भरता हमें फक्र है, गर्व है आंदोलन जीवी होने पे। हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी भी ऐसी तमाम आंदोलनों के लिए जेल में गए, जेल से निकल गया। मैं भी दो बार जेल गया, एक बार 8 दिन के लिए, एक बार 9 दिन के लिए। मैं जेल से, मैं आंदोलन जीवी होने पर अपने आप को गर्व कर रहा हूँ। मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, और मैं गर्व से बात कहती हूँ कि मैं भगत सिंह की, गांधी जी की, उनकी अनुयायी हूँ, ना कि सावरकर की, ना कि गॉडसे की। मैडम आपने संविधान की बात करी, यहाँ तो देश में संविधान जला दिया जाता है, संसदन की चंद कदमों की दूरी पर संविधान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। जो अगर इस देश में संविधान की मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि देश विनाश की तरफ जा रहा है। देश जिस देश में उसी देश के संविधान की अगर इज्जत नहीं है, उस देश के संविधान बनाने वाले की इज्जत नहीं है, तो वो देश विनाश की तरफ जा रहा है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमारी वीडियो देखने